हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आरिश खान गेमिंग। गाइस वेलकम टू आरिश खान यूट्यूब चैनल। और पप्पा जी क्या हाल है? बढ़िया मेरे पुत्र जी, बढ़िया। तुसी सुना, तुसी यार वो ट्रक बेच दिया? अरे पप्पा जी यार वो ट्रक बेचने से में भाई भाई लोगों ने इस मेरे बेटे ने वो ट्रक बेच दिया। देखो उससे भी और उससे भी नीचे आ गए हम लोग। ये जंग वाला ट्रक, दोस्तों जंग लगा हुआ है इस ट्रक पे। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ट्रक नहीं पापा जी, कंपनी का है भाई। लोगों अभी भी कभी भी अपने पुत्र को उस पे नजर रखो। हाँ। तभी पता चलता है, वरना पता चला तुम्हारा घर तक गिरवी हो जाएगा। क्योंकि नशे में इतना धुत रहता है हमेशा। मैंने इसको है ना नशा केंद्र भी भेजा था, पापा जी वहां से अभी अभी आया। देखो अब क्या सुधरा या नहीं सुधरा, मैं देखते हैं इस बार। अब देखते हैं क्या एक्सीडेंट वगैरह करता है नहीं करता। तू कितने गियर है इसमें? चला अब तू गियर भी भूल गया का भाई, ट्रक चलाना भूल गया का। पापा जी मुझे ना नींद, फिर मेनू आना पड़ेगा गड्डी विच। पापा जी मुझे नींद लग रही थोड़ी सी। पहले नींद पूरी कर भाई तू अपने। रात क्या पिया था? चरस पी ली थी कहीं रात? पापा जी वैसे भी टाइम चरस फूंक नहीं जी नहीं चरस फूंकी थी रात? कुछ भी नहीं फूंका पापा जी। मैं मुझे लगता है तू तो कुछ फूंकता है रात को यार। अरे पापा जी मैं कुछ भी नहीं फूंकता कुछ भी है। ये पापा जी ट्रक ना उल्टा लगाना पड़ेगा मैं यहाँ। चल भाई उल्टा लगा ले मेरे पुत्र, तू उल्टा लगा ले, नींद पूरी ले ले मेरे पुत्र। चलो जी कैसे देखिए जरा रास्ता सही है पर, क्योंकि पापा जी रास्ता ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोस्ट डेंजरस है। ठीक है तो वहाँ के लिए नींद पूरी करनी जरूरी है। ठीक है चलो सो जाओ। तो गाइस हम जो है यहाँ पर गेटिंग रेस्ट कर रहे हैं। पप्पा जी अब चले गए, रात के 1:30 बज गए। नहीं नहीं रात को नहीं, दिन में ही चलेंगे मेरे पुत्र, दिन में ही चलेंगे। क्यों? एक बार और सो जा, चल जल्दी सुसु करके सो जा। ठीक है जी। सुबह के 10 बज गए पप्पा। चल चल अब खींच दे गियर को, खींच दे अब तो। ब्रेड समोसा तुझे सब कुछ खिलवा दिया। बढ़िया पप्पा जी चलो। आज तो पराठे लेकर आया था तेरी मम्मी के हाथ के, आज तो मजा आ गया होगा तुझे मेरे पुत्र। खींच के चल अब दबा के। कौन से गियर में? चल मेरे पुत्र भाई गड्डी तू चला रहा, गियर में बताऊंगा यार भाई। बताओ की साथ फंस गया मैं। अनाड़ी के साथ फंस गया भाई। दिखे 11वें गियर में चलाओगे आप या 12वें में? भाई 15वें में चला तू, 15वें में भाई। अरे 12 ही तो गियर है इसमें, टाटा 685 तो है। हाँ चल कोई बात नहीं मेरे पुत्र, खींच के चल। गड्डी जाती है चलंगा मार दी। ओ मेनू याद आई मेरे यार दी। देखिए पापा जी मस्त चल रहा ना, बस जबरदस्त मेरे पुत्र जी जबरदस्त। मैं खाई में खाई विच न डाल देना हमको। अरे खाई बहुत खतरनाक। अरे पापा दिख भी नहीं रहा मुझे ताकि का। ये क्या पहाड़ी इलाके में? देखो देख पहाड़ी ड्राइवर कैसे होते हैं। ये कौन से रास्ते से लिया भाई? जंगली जंगल है यहाँ तो। कर दिया एक्सीडेंट। अरे मैंने नहीं करा पापा जी। कर दिया एक्सीडेंट भाई। ये कौन सा रास्ता है, कहाँ पे जा रहे हैं आज हम? रास्ता भी सही ले गया तू नहीं? अरे मसूरी तो जा रहे हैं पापा जी। मसूरी जाता है मेरा पुत्र, मसूरी जाते हुए बड़े खतरनाक रास्ता, बड़ा खतरनाक रास्ता भाई। खतरों का रास्ता है, खतरों का। आराम से चलाना पड़ेगा पापा जी। हाँ आराम आराम से चला मेरे पुत्र, कभी पता चला आगे से ठोक दे तू किसी को। हाँ देखो जरा रोड कितना खतरनाक है पापा जी। हाँ एक साइड तो बिल्कुल खाई, अगर गिर गया ना तेरा पापा का पता भी नहीं चलना कहाँ पड़ा तेरा पापा, ये ढूंढना पड़ेगा। ए गए कौन? गए भाई गए, फौजी लोग थे चले गए बेचारे। एक ट्रक और गया। अरे वो मेरे रास्ते मेरा ट्रक डैमेज करते हैं पापा जी, आखिर मेरा ट्रक डैमेज हो गया। हाँ भाई ये देख देख नहीं रहे भाई रास्ता के कैसा है, इतनी जल्दी डैमेज भी हो गया मेरे पुत्र। हाँ और हाँ चल मेरे पुत्र चल खींच के चल भाई। आप पैसे मिलेंगे तो अपने गड्डी नू बनवा लेंगे फिर हम दोबारा। ठीक है ठीक है गड्डी नू बनवा लेंगे दोबारा। देवागिरी कहाँ चली गई वो? सेवा की तो सेवा करवा दी तूने लोगों की। क्यों क्या हुआ? तूने तूने बिकवा दी भाई वो सेवा की। अब सेवा कर रही होगी किसी और की, हमारी सेवा की रीति वरना बड़े प्यार से
मेरे पापा ने मुझे दिलाई थी, तो एक कंपनी का तगड़ा नुकसान होते हुए कंपनी का मैं तो कहता हूँ इसको ही पकड़ के बिठा लो यहाँ पे कंपनी के मालिक को बोल दूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ पापा जी, कुछ नहीं, कुछ तो हुआ नहीं भाई, फिर ऊपर भी तो चढ़ाना पड़ेगा, अब राजू को कॉल करनी पड़ेगी मुझे। बुलाइए जरा राजू को फोन करके पापा जी एक बार, अब राजू को बुलाता हूँ। चल ले मेरे पुत्र, अब चल ले, पैसा तो खर्च करवा दिया, मालिक बहुत बोल रहा था भाई ये कैसा लोंडा है तेरा। अच्छा उसे कह देना मुंबई गया था फिल्मों में हीरो बनने। मैंने बोला पापा यार थोड़ा बहुत अभी बेचारा रास्ता ही खराब था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं ज्यादा, मालिक अब दोबारा मत करना भाई, समझा रहा हूं तुझे। इतने लंबे लंबे ट्रक कैसे चला रहे हैं भाई, देख ले कैसे चला रहे, वो देख नीचे जाके चलाएगा बेचारा, वो गिर गया वो, और वो राजू को बुलाएगा, राजू के मजा आ रहे हैं यहाँ पे एकदम चैन कुप्पी इसने बढ़िया बना रखी भाई, 10-15 चैन कुप्पी राजू के पास, मुझे लगता है ट्रक छोड़ के राजू वाला काम स्टार्ट करना पड़ेगा। चैन कुप्पी क्या हो, मैं उनको नीचे से खींचते हैं फिर। अच्छा पापा तो पहाड़ खत्म हो गया, जंगल आ गया। चल मेरे पुत्र चल जंगल में, तो जंगल बीच दबा के खींच के चल मेरे पुत्र, भगा दूं क्या, भगा दे बस, तू देखी जाएगी कितनी भगाएगा, देखता हूँ कितनी स्पीड है इस ट्रक में, लगा दे मेरे पुत्र 12 बताइए पापा अभी कितने पे चल रहा है जरा बताओ एक बार पापा जी। 12 पे ही चल रहा अभी, अभी ये बताओ ट्रक कितने की स्पीड पे चल रहा है बताओ आप। स्पीड तो मैनू दिख नहीं रही पुत्र, 55, 56, 60, 65, 66, 68, 68, 70, 75। क्या हो गया, क्या हो गया पुत्र जी, ये कुछ वाटर सा आ गया, वाटर क्रॉस करना पड़ेगा। कहाँ, ओ ओ तेरी बाप रे भाई, दलदल आ गई, दलदल दलदल, जल्दी चलना जल्दी, ये धस जाएगा वरना। नहीं धसता पापा, ये बहुत खतरनाक ट्रक है अपना, ये नैनो को दबा के चल दे, नैनो को बेचारे को जाने दो, नैनो को भी बढ़िया, ये पानी भी चलती अपनी गड्डी, कैसा देखो रास्ता है, यहाँ कौन मंगाता होगा सामान, देखे जरा पूरा तो कच्चा रास्ता में कितने घना जंगल है, है जी ना, तो जभी तो भाई सामान लेके आ रहे हैं हम लोग, ये सब सेब के बेग बाग लगे हैं यहाँ पे, अच्छा। पहाड़ी इलाका है, हाँ सेब बीच, अब इधर से बादाम अखरोट लेके चलेंगे ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, सर्दी का मौसम है, मेरे बूढ़े हाथ पैर थोड़ा काम नहीं करते, तो इनका बादाम का तेल ले लेना एक, अच्छा, बोतल में मालिश कराने के लिए, ठीक है जी ठीक है पापा, ये और तेरी अम्मी बोल रही थी है ना अखरोट का एक बोरा लिया ना, ठीक है मम... बोरा भी ले लेंगे, अभी तो पता नहीं कैसे कैसे रास्ता आएंगे, हाँ बस देखता जा तू मेरे पुत्र जी, देखता जा गड्डी नु खींच के चल तू बस, मैं खींच के ही चल रहा पापा जी, मैं खींच के ही चल रहा, गड्डी जाती है चलंदा मार दी, ओ मेनू याद आई तेरी मम्मी दी, पुत्र तू मेरी हीरस कर रहा है, गांव में पहुंच गए, चल चल मेरे पुत्र चल, चाय पानी पी चल लो बताओ, यार रोक ले फिर यहीं पे, थोड़ा मुझे भूख भी लग रही है अभी, एक दो पराठे और चने का साग में सूखी रोटी खा के चलते हैं, ठीक है मैं जरा साइड में को लगा दूं, है चने का साग दम मदी मक्की की रोटी दम मक्खन के साथ दा दे दो तुसी, ठीक है चलो। तो गाइस अभी हम यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है ट्रक वाले हैं जी, हां हम ट्रक वाले हैं यहां पर, और दोस्तों अभी हम यहां पर जो एक मजेदार नाश्ता कर लेते हैं खाना पीना, क्योंकि दोस्तों सुबह हो गई, अभी सुबह से यहां पर जो है कितने बज गए पापा, 13:45 यानी कि 1:00 क्या टाइम हो गया, 1:46 हो गए, 11:30 बजे के चले हुए, ठीक है तो चलो खा लेते हैं, है जी हाँ मेरे पुत्र भूख लग रही है मेनू, हाँ चलो खाओ, तो चलो दोस्तों खा लेते हैं उसके बाद, अरे जो बात है पापा मजा आ गया है, पीछे देखो कोई आता था, कोई नहीं आ रहा मेरा पुत्र, मेरा पुत्र कोई नहीं आ रहा यार, मक्की की रोटी ज्यादा ही टाइट थी यहाँ पे, हाँ सरसों के साग में है ना मक्खन ज्यादा ही डाल दिया था इस बंदे ने, मैंने बोला भाई मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब का जट हूँ मैं, अच्छा पंजाबी लोग हो तुसी, हाँ फिर
फिर बोलना, उसने बोलना लो भाई फिर तो मक्खन दबा के खाओ, तुम तो बिल्कुल पचा लेते हो। अच्छा, पंजाबी लोग खतरनाक होते हैं एकदम। हाँ, मैंने तलवार दिखा दी उसको अपनी, वो एकदम डर गया। अच्छा अच्छा, तलवार क्यों दिखाई जी आपने? मैं ऐसे ही, मैंने बोला देखो हम तलवार भी रखते हैं। अच्छा अच्छा, उसने फिर बोला लो पाजी और मक्खन लो आप। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है भाई दे तू। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा। ओ भाई साहब, ये तो भाई साहब गुड़गांव में ले जा रहा है, मारुति फैक्ट्री में लगता है। हाँ, इतनी कारें। चल भाई चल, पीछे कन्नू पीछे नु कर ले और आगे नु खींच के चली ले। 70% डैमेज हो गया पाजी ट्रक के ऊपर। पापा जी यार, तू हमेशा ही डैमेज करता रहता है मेरे। आधे मेरी गलती थोड़ी है पापा जी, ये लोग भी अंधे होकर चला रहे हैं भाई यहाँ पे। क्या कर सकता हूँ मैं भी, क्या कर सकता हूँ। इंजन बंद हो गया, ये बंद होता रहता है इंजन, चलता रहेगा बंद होता रहेगा चलता रहेगा, दिक्कत आती रहेगी इसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, तू सर्विस करा ले इसकी जाके। अब टोल आ गया पापा जी, टोल। हाँ टोल मैंनू दे दे, दे, दे रहा हूँ मैं, पैसे दे रहा हूँ। बड़ा भयंकर तुमने टोल यार, 1000 रुपए का है यहाँ पे। नहीं ये तो नहीं, 11 यूरो का पापा। हाँ मतलब इंडिया के 1000 यूरो। तो बहुत महंगा रखा भाई टोल रे। हाँ। लगता है टोल का ही काम करना पड़ेगा मुझे भाई। अरे पापा देखियो, यहाँ टोल की जगह पे तो इन्होंने बिल्कुल मस्त रोड बना दिए, फिर आगे कच्चा। किस बात के पैसे? हाँ, ले रहे बस, ये पैसे तार रहे, पब्लिक को फुद्दू बना रहे। पता नहीं किस बात के पैसे ले रहे भाई। यहाँ पहाड़ी गूगल मैप में दिखा मुझे, यहाँ पर बहुत खतरनाक मोड़ है, एक आधा आएगा पहाड़ में है ना भाई, ये रास्ता बना रखा है इसके लिए पैसे ले रहे। पहाड़ में देख नहीं रहा। ओ भाई लैम्बोर्गिनी, बच जाना भाई, लैम्बोर्गिनी हुरस थी भाई ये तो लगता है। लैम्बोर्गिनी की पप्पो ओ तेरी, आराम से चला भाई, आराम से आराम से चला रहा हूँ। मेरे तो अभी बिल्कुल ऐसा लग गया था जैसे मैं गिर जाऊंगा एकदम, मेरे बदन में अभी तक झनझनाहट हो रही है। और ये ओ, ओ, ओ मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, आराम चढ़ाई देखिए वो ऊपर का है चढ़ाई। हाँ वो पूरे बाप, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता भाई, ये पहाड़ी इलाकों में से ही भाई। जब इतने बंदे हैं ना, इतना हमको जब इतना किराया देते हैं लोग, इतना खतरनाक, ये जान पे जान है ना, हथेली पर लेके चलना पड़ता है। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप। ओवरटेक कर लिए से, कर ओवरटेक कर मेरे पुत्र, ओवरटेक कर तेरी तो पर। बढ़िया मजा आ गया पापा जी, बढ़िया बढ़िया आ गया शहर। हाँ कहाँ तो उतारना माली हो अभी, यही उधर है जो आगे जाके गड्डी जाती है। छलंदा मार दी, मैनू याद आई मेरे प्यार दी। अभी थोड़े से यहाँ पर आगे चल के ना, थोड़े से पहाड़ और आएंगे, उन्हें क्रॉस करके आएगा, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा मेरा पुत्र। अच्छा अभी तो पापा जी आपने कुछ देखा ही नहीं, अब देखो वो खतरनाक रोड तो। अच्छा मेरा पुत्र इससे हाँ। भी ज्यादा खतरनाक आएगा यार, मैं सोच रहा था सर्विस करा के चलो, छोड़ो पर बाद में कराऊंगा सर्विस, बाद में कराना मेरे पुत्र जी। मैं तो सोच रहा था भाई यही यहीं पर गाड़ी खड़ी करनी है, अभी तो और लंबा है इसका मतलब। हाँ थोड़ी एक एक सिगरेट पी लेता हूँ फिर इसका मतलब थोड़ा जुनून सा आ जाएगा शरीर में, शरीर में गर्मी सी आ जाएगी। स्टार्ट ही नहीं हो रहा ट्रक, आप सिगरेटों की बात कर रहे हैं। चल फिर सर्विस करा ले इसको। अरे नहीं अभी इतने पैसे नहीं है, पैसे भी तो बचा के चलना, फिर बचेगा क्या। मैं चल फिर खींच लूं ट्रक नू, ये पीछे को जा रहा है भाई, मेरे को सांस फूल रही है, उठ ही नहीं रहा है पहले गियर में पापा जी भाई। अब क्या हो गया, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। चल मेरे पुत्र आज तो खींच के चल रहा, आज तो कुछ हरे हरे पत्ते दिखवा दे अपने बाप को। हाँ आज तो दिखेंगे हरे हरे पत्ते बिल्कुल मस्त, आज नहीं रुकने का कहीं भी। गड्डी जाती है छलंदा मार दी,
मैनू याद आई मेरे प्यार दी। ओ मेरी गड्डी, ओ मेरी गड्डी विच बैठो, देखी जरा कैसे मेरी गड्डी विच माल भर रहा है भाई। भाई बड़ा दूर दूर से बड़े लंबे लंबे जाम लग रहे हैं, बता भाई। भाई असली जो जिंदगी होती है ड्राइवर लोगों की जिंदगी होती है, ये लोग घर में बैठे हुए लोग रजाई में मुंह दे के मजे ले रहे हैं, और हम यहाँ देखो बाप बेटे इस खतरनाक रोड पर चलते हुए। हाँ। और बस में देखो कितने बंदे बैठे, आराम से आराम, ब्रेक 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 ब्रेक, चल चल खींच के चल, अब ब्रेक मार। ये देख साइड में लगाते लगाते नीचे ना गिरा दिया ना तू। नहीं नहीं कुछ नहीं होने का, चल वो तो निकल गया भाई। अब तू ए ए कुछ नहीं होना, बस यहाँ खड़ा रहने दो, तो निकल जाएंगे गाड़ियाँ। हमें जरा राजू वो सर्विस वाले को बुलाना पड़ेगा, इंजन मोबिल ऑयल चेंज होगा इसका। अच्छा हाँ चल ठीक है, करा फिर मेरे पुत्र, चल यही बुला, फोन करो उसे। हाँ फोन कर रहा जी, थक गया मैं इतने लंबा ड्राइव कर कर के, की हो गया शाम होने मेरे पुत्र, चल चल बस अब पहुँचने वाले हम। फोन आया मालिक का भी, कहाँ पहुँच गए तुम लोग? हाँ फिर तुमने क्या कहा? मैंने बोल दिया बस अब पहुँचने वाले मालिक साहब, बस रास्ते में ही है। एक तो ये मतलब यहाँ के जो खतरनाक से पप्पा जी रोड है ना, बस क्या बोल पता इनके बारे में तुम्हें? हाँ भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे पुत्र, कैच दे तुम। आ जाना, मालिक की लोंडी की है ना शादी भी है, वहाँ भी जाना, बारात में भी जाना अपने को। अच्छा हाँ वहाँ पे है ना, ज्यादा ज्यादा है ना खाना वाना मत वहाँ ज्यादा, कभी पागलों की तरह खाने लग गया वहाँ। क्यों? वहाँ मुर्गा फ्राई है, मुर्गा फ्राई है वहाँ पे। अच्छा और क्या है? फ्राई वगैरह, चिकन बिरयानी, और ये आराम आराम से चलते हुए हम लोग, वरना हमारी बिरयानी यही निकल जाती। आराम से चलाना आता है, आराम आराम से मेरे पुत्र, आराम आराम से चल चल, गड्डी गड्डी हमारी जाती है शेर की तरह दहाड़ते हुए जाती है रोड पे को, हमारी गड्डी। जहाँ मुझे असल दिखेगा ना कि मतलब ज्यादा ही तरी मोड़ है, मैं हल्की कर दूंगा वहां से, है ना गाड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं मोड़ पे तो हल्की करनी पड़ेगी, वरना भाई तू नीचे फेर तो खाई में ही गिरना पड़ेगा। हाँ है कि नहीं? सही कह रहे हैं। 9 बजे में चला कर रहता हूँ। हाँ भाई टनल कितना खतरनाक रास्ता है। हाँ। एकदम बहुत खतरनाक, बहुत ही है, बहुत ही खतरनाक रास्ते पे जाती हुई हमारी गड्डी गड्डी जाती है। मालिक ने तो देख के भी हो बूथ देगा मालिक यहाँ पे अगर आ गया किसी दिन। क्या कहेगा वो? भाई बोला मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, तुम ही जाओ। हाँ। ये अमीर लोग है ना, बस अंदर बैठे बैठे भाषण देते हैं। हाँ, सही जब पता चलता है ना कितना किस तरह हम मुश्किल से अपना माल भर के ट्रक में लेके आ रहे हैं। हाँ, तब पता चलता है मेहनत का, असली मेहनत का पैसा होता है हमारे। हाँ, अब मालिक लोग तो अंदर अंदर भाषण देते रहते हैं, तुम लेट हो गए, तुम ऐसे हो गए, तुम अभी तक नहीं आए। हाँ, ये नहीं पता चलता भाई कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सही कह रहे हो। आए, आए। देखो बस आती हुई कितनी तक खतरनाक बस आ रही है, और बेचारे मुसाफिर बैठे हैं ट्रक, है कि नहीं? डिस्कवर्ड हो गया, म्यूनिक पहुंचने वाले हैं मसूरी। हाँ बस ये सीधा सीधा रोड है, ये तो बहुत ही चढ़ाई वाला रोड है बिल्कुल। पीछे से बस आ रही, देख रुकेगी नहीं है, देख ले गया नहीं, गिर भी गई। गिर गया फिर भाई, गिर मर है कि नहीं? इंतजार ही नहीं कर रहा बंदा, कोई मोड़ रहा है, कोई देख रहा है, कोई इंतजार नहीं करना, बस चलते जाना है, चलते जाना है भाई। ये तो देख ले बंदा, कोशिश लगता है भाई ज्यादा सामान भर रखा, क्या भर दिया, बिल्कुल पेटी के पेटी भर रखी। ए ए गई, ए गया, लगता है भाई हमें भी अब नीचे जाना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, तो खींच के फिर दबा के पहले गेट लिया ना मेरे बेटे, पहले गियर में खींच के चला इसे, पहले गियर में खींच के चला रहा हूँ, तभी तो ये हाल हो रहा है। अच्छा हाँ, फिर कैसे होगा भाई, माल बड़ा कीमती है इसके अंदर। होगा होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो,
चल चल मेरी धन्नो तेरी इज्जत का सवाल है, बस मालिक की लाज रख ले बस आज। चल चल मेरी धन्नो फिर पीछे। पांचवें में कौन लगाएगा, कौन उठाता है पांचवें? पहले गियर में उठाते हैं। अच्छा, पांचवें लगा रहा। हाँ। तेनू कुछ पता ही नहीं, तेनू ट्रक की सीट पर किसने बिठाए ये मुझे बता। तू दस, तू मुझे दस, किसने बिठाया तुझे ट्रक की सीट पे? क्या करूं मैं तुझे? मुझे दस दे अभी तू। ये क्या हो गया, इंजन जाम हो रहा है इसका, ये टायर घूम रहे हैं। भाई तू अब कुछ नहीं कर पाएगा यार, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा तुझे कोई मुकम्मल ड्राइवर बना दूं, लेकिन तेरी किस्मत में वो भी नहीं है। तू भूख ले बस, तू भूखने पर है। आराम आराम से चल ले यार, निकाल ले यहाँ को यार। तू फिर वही बात करता है, दिमाग खराब कर रहा है। एक एक गया बस, मैं तो कूद जाता हूँ, मैं कूद, मैं नीचे उतर गया। तू बैठे रहो, तू बैठे रहो इसमें ट्रक बीच में, बस बस तू बैठे रहो भाई, तू गिरेगा अब, तू और कुछ नहीं होना। अरे पापा, तू अब गिरेगा, अब तू गिरेगा, खाई में गिर गया आज ये। अरे अरे पत्ते तूने दिखाई नहीं, ये नुकसान करा दिया, बस गिर गया। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से कुछ नहीं होगा। पापा जी और तुम्हारा बैठ रहा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ भाई ये तो, बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं तो ऊपर ही खड़ा हूँ भाई, तू आ जा आराम से, आता रहना। अरे अब क्या करें पापा? बस इसको यहीं छोड़ दे भाई, अब खत्म कर, अब अगली बार देखेंगे। तो गाइस यार नुकसान पे नुकसान दे रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया दोस्तों आज तो हमारा यार। इसी बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हमें आपके लाइक की गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को गाइज यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ना पापा मर्सिडीज़ की बस ले आते हैं, कंडक्टर कर लेते हैं उसमें, कंडक्टर ही। तुम बताओ? आप तुझे कंडक्टर ही बनाऊंगा भाई, मैं तुझे ड्राइवर थोड़े बनाऊंगा, आप तो ड्राइवर ही खुद करेगा। आप सरदार जी खुद आएंगे, ठीक है, ड्राइवर सीट बीच। तो गाइस कल को जो है सरदार जी को लेकर आएंगे हम यहाँ पर जो ड्राइविंग करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बाकी कर दो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी हम मिलते हैं आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।